Hello students, in this video I Abhay Kumar going to solve the problems of the book Concepts of Physics Part 1 written by Dr. S.C. Verma, Chapter 5 Newton's Laws of Motion, from problems number 1 to 5 in Part 1 of this chapter. इस वीडियो में बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एससी वर्मा का वॉल्यूम 1 का चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का प्रॉब्लम नंबर 1 टू 5 का सॉल्यूशन किया जाएगा, जो कि इस चैप्टर का वीडियो नंबर 1 है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम नंबर 1. ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन ए लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली बाय ए कांस्टेंट फोर्स कैपिटल एफ. इट इज फाउंड टू मूव 10 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल एफ. इस प्रॉब्लम में 2 kg मास का एक ब्लॉक है, एक बॉडी है, पिंड है, जो कि एक लंबे फ्रिक्शनलेस टेबल, घर्षण रहित टेबल पर रखा हुआ है और उसे हॉरिजॉन्टली क्षैतिज दिशा में कैपिटल एफ न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके पुल किया जाता है, खींचा जाता है. और यह पाया जाता है कि पहले 2 सेकेंड में ब्लॉक 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तय करता है. तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसे मालूम करना है. तो एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर यहाँ सपोज किया जाए ये ब्लॉक रखा है और इस पर एक फोर्स लगा करके इसे पुल किया जाता है, खींचा जाता है. और 2 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है बॉडी इस फ्रिक्शनलेस टेबल पर. 2 सेकेंड में बॉडी मूव करता है कितना, 10 मीटर. दिस इज द डिस्टेंस इज कवर्ड बाई द बॉडी इन विच इज 10 मीटर. S इज इक्वल टू 10 मीटर इन 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड. एंड दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास, M इज इक्वल टू 2 kg ब्लॉक का मास है. एक फोर्स लगाकर इसे खींचा गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मालूम करना है. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला ऑफ फोर्स यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. बल द्रव्यमान गुना त्वरण के इक्वल होता है. तो हमको एक्सेलरेशन चाहिए, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए. तो एक्सेलरेशन निकाल लिया जाए. और उसके लिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए फार्मूला हमारा क्या है, उसके लिए फार्मूला एस इजकल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टी सेकेंड इन टाइम इंटरवल टी, एस इजकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूजिंग द फार्मूला ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन और रेक्टिलिनियर एक्सेलरेटेड मोशन. सरल लिखिए, एक समान सरल लिखिए त्वरित गति का समीकरण. तो इसमें डाटा जो प्रोवाइडेड है पहले उसको हम उसको जो कि गिवन है इस प्रॉब्लम में, मास इजकल टू 2 kg m और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ब्लॉक 10 मीटर टाइम 2 सेकेंड. और जो फोर्स का वैल्यू है वो हमको मालूम करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जिसको डायग्राम में भी मैंने रिप्रेजेंट किया है इस फोर्स का वैल्यू. तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली रेक्टिलिनियर एक्सेलरेटेड मोशन, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एस इज गिवन 10 मीटर यू. ब्लॉक का इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है. शुरू में ब्लॉक फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखा हुआ है जब तक कि उस पर फोर्स कैपिटल एफ फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है. तो यू इजकल टू 0 टाइम टी इजकल टू 2 सेकेंड प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई टी, टी इज 2 स्क्वायर. अब डिनोमिनेटर में हाफ है और यहाँ 2 स्क्वायर है, तो ये कैंसिल होकर के मतलब 2 स्क्वायर का मतलब केवल 2 बचेगा न्यूमिनेटर में, सेकेंड टर्म में 2 स्क्वायर 4, तो ये केवल 2 बचेगा यहाँ पर 2. तो एस इजकल टू कितना हो गया, एस इजकल टू हो गया, एस का वैल्यू है 10 मीटर जो हमने यहाँ एस का वैल्यू पुट किया है. तो 10 इजकल टू 2 ए, फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, 0 इंटू 2 2 ए, देयरफॉर ए इजकल टू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 10/2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द ब्लॉक। बट हम लोगों को मालूम क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स इज कॉल्ड यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का दूसरा नियम का यूज करेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स हमें मालूम करना है, तो एफ इज इक्वल टू, नाउ पुलिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू, जिससे फोर्स के द्वारा ब्लॉक को फ्रिक्शनलेस टेबल पर पुल किया जा रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन एम इनटू ए। एम इज 2 kg एंड एक्सेलरेशन इज 5, दैट इज 5 × 2 = 10 N। एफ इज इक्वल टू 10 N एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। The pulling force is 10 N. Now we have to solve problem number 2, which is a car moving at 40 km/h speed to be stopped by applying brakes in next 4.0 m. If the car weighs 2000 kg, what average force must be applied on it? A car है जिसका mass 2000 kg है और वह 40 km/h की speed से ट्रेवल कर रही है। कार का स्पीड है 40 km/h, इनिशियल स्पीड है, और ब्रेक लगा करके कार को अगले 4 m डिस्टेंस में, अगला 4 m जब ब्रेक अप्लाई किया गया, उसके बाद 4 m डिस्टेंस कवर, जब 4 m डिस्टेंस कार के द्वारा कवर हो गया, तब कार को रोक लिया गया, मतलब फाइनल स्पीड 0 हो गया। तो व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ब्रेक, तो अप्लाइड ऑन इट, तो कितना फोर्स अप्लाई किया गया, एवरेज फोर्स कितना अप्लाई हुआ, वह इस पर कितना एवरेज फोर्स अप्लाई होगा, औसत बल कितना क्रियाशील होगा, वह मालूम करना है। तो यहाँ पर भी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज होगा, क्योंकि चैप्टर ही न्यूटन सेकेंड, चैप्टर का नाम ही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, तो सॉरी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। तो इसमें और पार्टिकुलरली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकल फॉर्म में है, तो ज़्यादातर इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ही प्रॉब्लम्स में, जहाँ तक सवाल है, उसमें यूज होगा। तो हमको फोर्स मालूम करना है, तो फोर्स इजकल टू मास, मास तो मालूम है 2000 केजी कार का, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं मालूम है, तो एक्सेलरेशन मालूम कर लिया जाए। तो अब इसमें एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए, फर्स्ट प्रॉब्लम में तो हमने एक्सेलरेशन मालूम किया, एक्सेलरेशन फाइंड किया, एस इजकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर एक्सेलरेटेड मोशन का यूज करके। लेकिन यहाँ पर उस, चूँकि यहाँ पर टाइम का कोई, इस प्रॉब्लम में टाइम का कोई टाइम मेंशन नहीं है, इसलिए इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड है, तो एक अनदर फार्मूला यूज करके हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, और फार्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार का मास जो है वह लिखा जाए, मास इज गिवन 2000 kg, और इनिशियल स्पीड ऑफ द कार इज यू इजकल टू 40 km/h। अब इसे मीटर पर सेकेंड SI यूनिट में चेंज कर लिया जाए, तो 1 km/h इजकल टू 5/18 m/s। तो इट इज इक्वल टू 40 × 5/18 m/s, और इसको अब कैंसिल कराया जाए, तो कैंसिल 2 से कैंसिल कराया जा सकता है इसको, ये हो जाएगा 9 डिनोमिनेटर में, 2 × 9 = 18, और ये हो जाएगा 20 × 2 = 40, एंड 20 × 5, नाउ कैंसिल होने के बाद 42 से 20 रहा, 20 बचा, अब 20 × 5 = 100, न्यूमिनेटर में 100 और डिनोमिनेटर में 900/9 m/s। दिस इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द मोटर कार। इनिशियल स्पीड को यू सिंबल से डिनोट किया जाता है, तो इनिशियल स्पीड हो गया यू इजकल टू 100/9 m/s, कार की प्रारंभिक चाल हो गई। अब कार को अगले ब्रेक लगाने के बाद नेक्स्ट 4 m जैसे ही डिस्टेंस कवर किया, उसको रोक लिया गया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई द मोटर कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक इज 4 m, तो एस इजकल टू 4 m डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार, एंड फाइनल वेलोसिटी वी इजकल टू, जो जब कार रुक गई तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस ढंग के प्रॉब्लम में हमेशा जब ब्रेक लगाने के बाद बॉडी को कोई बॉडी मोशन में है, यहाँ तो कार है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी को हमेशा 0 पुट किया जाएगा। तो वी इजकल टू 0 फाइनल स्पीड ऑफ द कार। अब यहाँ पर मालूम करना है एवरेज फोर्स कितना होगा अप्लाइड ऑन इट, दैट इज एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द कार कितना होगा रोकने के लिए, ए फिजिकल टू वाट। अब यहाँ पर पहले हम एक्सेलरेशन मालूम करें, और उसके लिए यहाँ पर चूँकि टाइम का कोई मेंशन नहीं है, जैसा कि मैंने शुरू में ही इस प्रॉब्लम को जब पढ़ा उस समय बताया, तो इसमें सेकेंड फार्मूला हम यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली
एक्सलेटेड मोशन यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन है। तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर एक्सलेटेड मोशन मीन्स स्ट्रेट लाइन एक्सलेटेड मोशन, बॉडी एक्सलेशन में है लेकिन स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट पाथ पर है, सीधी सड़क पर है, सीधे रास्ते पर है, तो यूजिंग द इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस, नाउ वी जीरो फाइनल स्पीड इज जीरो, जीरो स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज किया है एसआई यूनिट में 100 बाई 9 मीटर पर सेकेंड, तो 100 अपॉन 9 होल स्क्वायर इक्वल टू टू ए एक्सलेशन एस, एस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक इज 4 मीटर व्हेन द फाइनली व्हेन फाइनली कार इज स्टॉप्ड इज 4 मीटर, सो एस इज इक्वल टू 4 मीटर, कार के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया 4 मीटर। और जीरो स्क्वायर माइनस तो ये लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव ही हो जाएगा, और एक्सलेशन का वैल्यू निगेटिव आने का मतलब ये क्या है, रिटार्डेशन है, जिसका सिंबल भी ए होता है लेकिन निगेटिव साइन से उसको डिनोट किया जाता है। और ए इजकल टू, ए इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखें माइनस 100, जीरो स्क्वायर डेट इज जीरो माइनस 100 बाई 9 स्क्वायर डेट इज 100 अपॉन 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8 ए, और देयरफॉर ए इजकल टू, देयरफॉर ए इजकल टू माइनस 100 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 मल्टीप्लाइड बाई इन द डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इजकल टू माइनस 100 स्क्वायर, 100 बाई 9 स्क्वायर है तो इसलिए ए इजकल टू 100 स्क्वायर 100 बाई 9 का होल स्क्वायर अपॉन 8, और 9 स्क्वायर को हमने 81 लिख दिया, और 100 स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं यहाँ 10,000 सीधे 10,000 1 पर 4 0 होगा 100 इंटू 100। अब इसको कैंसिल कराया जाए, 2 से कैंसिल ये भी हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से कैंसिल होगा तो यहाँ पर 4 इंटू 2 डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, 8 कैंसिल होकर 4 से, और यहाँ 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 25,000 25 इंटू 4 100 होता है, 2 जीरो और है तो 2,500 डिनोमिनेटर में कितना है 81 इंटू 2 डैट इज माइनस 25, ऐसे 2500 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1,250 हो जाएगा, लेकिन इसे माइनस 1,250 तो लिखा जा सकता है 1,250 अपॉन 81, 2 से कैंसिल हो गया 2500 मतलब 2,500 तो 1,250 अपॉन माइनस थी माइनस दैट इज रिटार्डेशन ऑफ द कार इज, सिंस निगेटिव साइन है ए में तो इसलिए रिटार्डेशन कार का मंदन कहा जाएगा, निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है, तो 1,250 अपॉन 81। अब 1,250 में 81 से डिवाइड करने पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं 15.4, और आगे माइनस है दैट इज रिटार्डेशन ऑफ द कार ए इक्वल टू माइनस 15.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो ए इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस 15.4 का मॉड हो जाएगा 15.4, तो ए इजकल टू मॉड ऑफ ए इजकल टू 15.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स रिटार्डेशन ऑफ द कार, क्योंकि कार को ब्रेक लगा करके रोक लिया जाता है तो कार में रिटार्डेशन होगा, टाइम के साथ उसका वेलोसिटी घट के लास्ट में जीरो हो जाता है। नाउ यूजिंग सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब न्यूटन के गति का दूसरा नियम का उपयोग करने पर फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सलेशन, तो फोर्स एफ इजकल टू मास ऑफ द कार मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन, लेकिन यहाँ तो रिटार्डेशन है लेकिन निगेटिव साइन मतलब इसका मैग्नीट्यूड ले लिया गया है रिटार्डेशन का, तो इसलिए 15.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मॉड ऑफ है, तो
ए फिजिकल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज ए फिजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज फोर्स अप्लाइड ऑन द कार, एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द कार बाई अप्लाइंग द ब्रेक. तो एम इजिकल टू 2000 के जी एंड ए इजिकल टू स्मॉल ए इजिकल टू 15.4. तो 15.4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए. अब यहाँ डिसमल एक प्लेस पर है 15.4, तो एक इस डिसमल से एक जीरो 2000 का एक जीरो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि 15.4 का अर्थ है 154/10. तो डिसमल से एक जीरो न्यूट्रलाइज हो गया. अब इसमें 200 फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाइड बाई 154 हो गया. अब 154 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 154 में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए और उसके बाद दो जीरो उसमें ऐड कर दिया जाएगा. 154 × 2, 4 × 2, 8, 5 × 2, 10, रिमाइंडर 1, 2 × 1, 2 + 1, 3, डैट इज 308. और दो जीरो और है इसमें, लास्ट में ऐड करना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, दो जीरो और, तो कितना हो गया 308 न्यूटन. अब इसमें अगर 10,000 से मतलब 10^4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए न्यूमरेटर में, और फिर 10^4 से डिवाइड भी कर दिया जाए इसे 308 को, तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं 10^4 से डिवाइड करने पर, 10,000 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, 3.0800, और फिर 10^4 से मल्टीप्लाई भी करना होगा. अगर 10^4 से डिवाइड करते हैं तो 3080800 को, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3.0800 मल्टीप्लाइड बाई 10^4 न्यूटन, और 8 के बाद दो जीरो भी प्रेजेंट है, तो इसको छोड़ा जा सकता है. तो ये ए फिजिकल टू 3.08 × 10^4 न्यूटन, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द कार इज 3.08 × 10^4 न्यूटन, एंड अदरवाइज 30,800 न्यूटन. ये अभी आंसर हो सकता है, लेकिन 10^4 के टर्म में इसे लाया गया, दैट इज एफ. नाउ प्रॉब्लम 3. इन ए टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड with negligible speed and reach a velocity of 5 × 10^6 meter per second in traveling 1 centimeter distance, assuming a straight line motion, find the constant force applied on the electron. The mass of the electron is 9.1 × 10^-31 kg. एक टेलीविजन का पिक्चर ट्यूब है, टीवी पिक्चर ट्यूब, उसके कैथोड से इलेक्ट्रॉन निगलिजिबल स्पीड से, नगण्य चाल से इजेक्ट होता है, बाहर निकलता है, उत्सर्जित होता है. तो इलेक्ट्रॉन का इनिशियल स्पीड को u को जीरो माना जा सकता है, और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद इलेक्ट्रॉन 5 × 10^6 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी प्राप्त कर लेता है, एक्वायर कर लेता है. इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन मानते हुए, सरल रेखीय गति मानते हुए, स्ट्रेट पाथ पर मोशन इलेक्ट्रॉन का एज्यूम करते हुए, मानते हुए, इलेक्ट्रॉन पर कितना कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होगा, कितना नियत बल आरोपित होगा, वह मालूम करना है, उसे कैलकुलेट करना है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9.1 × 10^-31 kg. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का इनिशियल स्पीड क्या है, u इजिकल टू जीरो है, और फाइनल स्पीड भी इलेक्ट्रॉन का 5 × 10^6 मीटर पर सेकेंड है, जो कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा कवर करने के बाद अटैन होता है, इतना स्पीड 5 × 10^6 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस कवर्ड बाई द इलेक्ट्रॉन इज एस इजकल टू 1 cm, दैट इज 1/100 मीटर, दैट इज 1/10 स्क्वायर मीटर, दैट इज 10 स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो 10^-2 हो जाएगा मीटर. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, m इजकल टू 9.1 × 10^-31 kg. क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाथ को स्ट्रेट लाइन पाथ एज्यूम करना है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड रेक्टिलिनियर मोशन का फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन मोशन का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा एक्सेलेरेशन ऑब्टेन करने के लिए. तो यूजिंग द मालूम क्या करना है, फोर्स मालूम करना है, ए फिजिकल टू वाट.
कॉन्स्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एस यूजिंग द इक्वेशन ऑफ एक्सेलेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू टू एस, से ये फॉर्मूला एक्सेलेरेशन के लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू टू एस। अब कितना होगा, सबका वैल्यू पुट कर दिया जाए और एक्सेलेरेशन इजकल टू और ए इजकल टू वी कितना है इलेक्ट्रॉन की का स्पीड 5 इंटू 10 टू पावर 6 का होल स्क्वायर, क्यू कितना है 0 स्क्वायर अपॉन 2 एंड एस डिस्टेंस कवर्ड बाई द इलेक्ट्रॉन इज 1 cm दैट इज 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर एंड दिस इज 5 इंटू 10 टू पावर 6 स्क्वायर दैट इज 25 स्क्वायर 25 10 टू पावर 6 स्क्वायर दैट इज 10 टू पावर 12 और माइनस 0 स्क्वायर दैट इज इतना ही हो रहेगा 25 इंटू 10 टू पावर 12 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 एंड 25 बाई 2 इज 12.5 में 2 से डिवाइड करने पर 12.5 और न्यूमरेटर में 10 टू पावर प्लस 2 चला जाएगा, पहले 10 टू पावर 12 है इंटू 10 टू पावर प्लस 2 पावर ऐड हो जाएगा 10 टू पावर 12 प्लस 2 दैट इज 10 टू पावर 14 ये मीटर पर सेकेंड हो गया। तो एक्सेलेरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ए इज इक्वल टू स्मॉल ए इज इक्वल टू सिंबल ऑफ एक्सेलेरेशन इज टेकन स्मॉल ए, यूजुअली स्मॉल ए सिंबल यूज किया जाता है, ऐसे कभी कभी स्मॉल एफ सिंबल भी यूज किया जाता है एक्सेलेरेशन के लिए। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स, एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इजकल टू फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन एम इंटू ए और इलेक्ट्रॉन का मास दिया है कितना 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 के जी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलेरेशन कितना आ गया 12.5 इंटू 10 टू द पावर 14 इंटू 10 टू द पावर 14। अब 9.1 एंड 12.5 को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 9.1 5 इंटू 1 5 2 इंटू 1 2 1 इंटू 1 1 9 इंटू 5 45 रिमाइंडर 4 9 इंटू 2 18 प्लस 4 22 रिमाइंडर 2 9 इंटू 1 9 प्लस 2 11 अब ऐड कर लिया जाए 5 प्लस 2 7 2 प्लस 1 3 1 1 दो प्लेस पर डेसिमल है तो 113.75 113.75। तो एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 113.75 मल्टीप्लाइड बाई, अब पावर देखा जाए 10 टू पावर पावर को ऐड किया जाए 10 टू पावर 14 और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 31 दैट इज 10 टू पावर 14 माइनस 31 दैट इज 10 टू पावर माइनस 17 10 टू द पावर माइनस 17। एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन इज एफ इक्वल्स टू 113.75 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 17 न्यूटन। और अगर माइनस 10 टू पावर माइनस 17 में से 10 टू पावर माइनस 2 पावर अगर अलग कर दिया जाए और 10 टू पावर माइनस 2 अलग करने का मतलब है कि दो प्लेस पर डेसिमल और लेफ्ट साइड में चला जाएगा या 10 टू पावर प्लस 2 से डिवाइड हो जाएगा 113.75 में, तो हम लिख सकते हैं इसे वी कैन राइट इट एज 1.1375। तो फाइनल रिजल्ट इज एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन, फाइनल रिजल्ट बोर्ड के लेफ्ट साइड में लिखा जा रहा है दिया जा रहा है। तो एफ इजकल टू एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1.1375 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 15 न्यूटन। 10 टू द पावर माइनस 17 से माइनस 2 पावर अलग करके दो प्लेस पर डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया गया, मतलब 100 से 10 टू पावर प्लस 2 100 से डिवाइड करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। तो इसे लिखा जा सकता 1.11375, तो डिसमल के वन प्लेस तक 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 15 न्यूटन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन इज एफ इजकल टू 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 15
न्यूटन. नाउ वी हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 4 विच इज ए ब्लॉक ऑफ मास 0.2 केजी इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाई ए लाइट स्ट्रिंग. ए सेकेंड ब्लॉक ऑफ 0.3 केजी मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक थ्रू अनदर स्ट्रिंग. फाइंड द टेंशंस इन टू स्ट्रिंग्स. टेक अ स्मॉल जी. द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. स्मॉल जी का वैल्यू सपोज करना है. तो सीलिंग से मतलब सपोर्ट से, रिजिड सपोर्ट से एक 0.2 केजी का ब्लॉक को लटकाया गया है स्ट्रिंग के हेल्प से. और एक अनदर ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है 0.3 केजी. ये फर्स्ट ब्लॉक का मास कितना है? 0.2 केजी. M1 इज इक्वल टू 0.2 केजी मास ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक. और इसको सीलिंग से, ये सीलिंग से एक रिजिड सपोर्ट से हैंग कराया गया है एक स्ट्रिंग के हेल्प से. और लाइट स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग मासलेस है, धागा जो है वह मासलेस है. और सेकेंड ब्लॉक को भी इस फर्स्ट ब्लॉक से अब लटका दिया गया है, हैंग किया गया है. और सेकेंड ब्लॉक का मास कितना है? M2 इज इक्वल टू 0.3 केजी. फर्स्ट ब्लॉक से एक अनदर स्ट्रिंग, दूसरे स्ट्रिंग के हेल्प से दूसरा ब्लॉक जिसका मास 0.3 केजी है उसको लटका दिया गया है. दोनों स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा प्रोड्यूस वह मालूम करना है. तो सपोज किया जाए 0.2 केजी मास को सस्पेंड करने वाला, लटकाने वाला स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? T1 है, जो कि सपोर्ट की तरफ काम करेगा. और सेकेंड स्ट्रिंग में, मतलब सेकेंड स्ट्रिंग में जिससे कि जिसके हेल्प से 0.3 केजी का मास लटकाया गया है उसमें स्ट्रिंग प्रोड्यूस होता है कितना? उसमें स्ट्रिंग प्रोड्यूस होता है T2. और वह काम करेगा उसके लिए सपोर्ट कौन होगा? 0.2 केजी मास से लटकाया गया है तो 0.2 केजी मास सपोर्ट होगा, मतलब T2 के लिए, सेकेंड मास के लिए. तो T1 और T2 का वैल्यू मालूम करना है. तो डायग्राम तो हमने इसमें स्केच कर दिया. अब इसमें फ्री बॉडी डायग्राम का यूज किया जाए, मतलब दोनों मासेस पर, दोनों ब्लॉक्स पर अलग अलग जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसको कंसीडर किया जाए तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगा T1 T2 को कैलकुलेट करने के लिए. तो फ्री बॉडी डायग्राम देख लिया जाए फर्स्ट मास के लिए. और ये एक्चुअल फिगर हो गया आपका फिगर 1. और फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट मास के लिए, तो फर्स्ट मास के लिए क्या होगा? केवल फर्स्ट, उसमें फर्स्ट मास को ही हम कंसीडर करेंगे. तो टेंशन तो अपवार्ड काम कर रहा है T1, और ब्लॉक है केवल फर्स्ट ब्लॉक को देखेंगे कि उस पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं. तो ये 0.M1 है, 0.2 केजी का ब्लॉक है. तो इसका वेट काम करेगा डाउनवर्ड, वेट डाउनवर्ड काम करेगा इसका. और सेकेंड स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन T2 जो सपोर्ट 0.2 केजी मास की ओर काम कर रहा है, तो इसके इक्वल एंड अपोजिट टेंशन के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करेगा जो रिएक्शन होगा स्ट्रिंग में T2 का ही. तो ये T2 एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में. तो T2 वेट काम किया किधर, T2 हो गया किधर, इसका वेट काम किया डाउनवर्ड, मतलब वेट कितना हो जाएगा 0.2 केजी मास का. तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई जी. और फिर टेंशन T2 का रिएक्शन फोर्स भी, रिएक्शन भी इस स्ट्रिंग में एक्ट करेगा जो कि T2 मतलब जो टेंशन है सेकेंड स्ट्रिंग में वह ब्लॉक की ओर सपोर्ट मैंने अपवर्ड काम कर रहा है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी काम करेगा इसमें डाउनवर्ड. तो T2 हो जाएगा डाउनवर्ड हो जाएगा. और वेट हो गया ये W1 0.2 × 10⁻¹⁰. तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया फर्स्ट बॉडी के लिए. अब सेकेंड बॉडी के लिए देखा जाए, सेकेंड मास के लिए, तो सेकेंड मास के लिए केवल अब सेकेंड मास को ही हम कंसिडर करेंगे जो कि कितना है 0.3 केजी. तो इसका वेट तो काम करेगा डाउनवर्ड, ये वेट डाउनवर्ड हो गया 0.3 मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो 0.3 के जी मास है इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हो गया. और इसके लिए जो स्ट्रिंग है, जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है सेकेंड स्ट्रिंग से, वह उसके लिए सपोर्ट कौन सा है? वह स्ट्रिंग किससे कनेक्टेड है? फर्स्ट ब्लॉक से, जिसका मास 0.2 के जी है. लेकिन फ्री बॉडी में केवल इस पर फोर्स देखेंगे 0.3 के जी पर. तो अब यहाँ पर जो है रिएक्शन, इसमें जो है टेंशन किधर काम कर रहा था? वेट डाउनवर्ड, तो टेंशन अपवर्ड.
तो ये सेकेंड, ये मतलब सेकेंड ब्लॉक के लिए 0.3 केजी मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, और ये फर्स्ट ये फिगर 1A हो गया, फिगर 1 था जो गिवन डायग्राम है जिसको मैंने स्केच किया, ये फिगर 1A हो गया फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास 0.2 केजी, एंड फ्री बॉडी ये फिगर 1B हो गया फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास 0.3 केजी। तो पहले अब टेंशन T1 मालूम कर लिया जाए, या T2 ही मालूम कर लेते हैं, आसानी से निकल जाएगा। तो चूंकि बॉडी हम मोशन में नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग से लटक रहा है। तो इसलिए रिजल्टेंट फोर्स कितना काम करेगा T2 पर, माने T2 पर रिजल्टेंट फोर्स किधर काम करेगा, क्योंकि T2 मतलब T2 फोर्स इसमें ग्रेटर होगा वेट से, तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन मास 0.3 केजी, तो क्या हो जाएगा T2 माइनस 0.3 ग्राम इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बॉडी चूंकि रेस्ट में है, मतलब स्ट्रिंग से लटक रहा है, मोशन में नहीं है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो। देयरफॉर टी टू इजकल टू 0.3 मल्टीप्लाइड बाई जी, प्लस हो जाएगा साइड चेंज होने पर, तो 0.3 इंटू, और जी का वैल्यू कितना सपोज करना है, 10 दिया है प्रॉब्लम में, तो 10 इंटू 0.3 डैट इज 3, तो टेंशन क्या हो गया, फोर्स ही है 3 न्यूटन आंसर हो गया। तो सेकेंड स्ट्रिंग में ये टेंशन इन द सेकेंड स्ट्रिंग हो गया, जिससे कि जिसके हेल्प से 0.3 केजी का सेकेंड मास को लटकाया गया है। तो टेंशन इन द सेकेंड स्ट्रिंग कैरिंग मास 0.3 केजी, सेकेंड स्ट्रिंग कैरिंग मास 0.3 केजी। अब T1 का वैल्यू यहाँ मालूम कर दिया जाए, तो T1 क्या फ्री बॉडी डायग्राम है, मतलब सॉरी जो फर्स्ट ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है 0.2 केजी का, तो उसके हेल्प से T1 का वैल्यू मालूम हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, T1 यहाँ पर भी, चूँकि यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, लेकिन T1 जो फोर्स है, टेंशन प्रोड्यूस इन द फर्स्ट स्ट्रिंग, जो कि सीलिंग से या सपोर्ट से, रिज सपोर्ट से लटकाया गया है, तो वह फोर्स बड़ा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, अपवार्ड ही काम करेगा, T1 माइनस, और नीचे क्या है, T2 के इक्वल रिएक्शन फोर्स है सेकेंड स्ट्रिंग में, T2 प्लस वेट भी काम कर रहा है डाउनवर्ड, इसका किसी बॉडी का वेट डाउनवर्ड काम करेगा, तो 0.2 mg, तो 0.2 मास है M1, तो 0.2 इंटू स्मॉल जी, और चूंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तो है लेकिन बॉडी रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, केवल स्ट्रिंग से लटक रहा है, रेस्ट में ही है, तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन जीरो होने से, M into A इज जीरो, देयरफॉर T1 माइनस T2 प्लस 0.2 इंटू जी इजकल टू जीरो, देयरफॉर T1 इजकल टू, अब ये इसको सेकेंड टर्म को RHS में ले जाएंगे, तो माइनस है, निगेटिव है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, T2 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाई जी, एंड T2 इज हमने ऑब्टेन किया सेकेंड स्ट्रिंग में कैरिंग 0.3 केजी मास, तो T2 इजकल टू 3 न्यूटन, तो 3 वैल्यू कर देंगे पुट, और 0.2, और जी का वैल्यू कितना है, 10 है, डैट इज 3 प्लस 10 इंटू 0.2 डैट इज 2, माने 2 बाई 10 इंटू 10, 10 कैंसिल हो गया, तो मतलब 0 कैंसिल हो गया दोनों का, तो 10 से दोनों ये क्या हो जाएगा, केवल यहाँ 2 बचेगा, तो 3 प्लस 2 डैट इज 5 न्यूटन, 3 प्लस 2 इज 5 न्यूटन, 5N आंसर। तो टेंशन फर्स्ट स्ट्रिंग में ज़्यादा है, जो कि कैरिंग मास 0.2 केजी, और इससे चूँकि 0.3 केजी मास भी एक सेकेंड स्ट्रिंग से कनेक्टी है, ये हैंग कर दिया गया है, तो इसलिए इसमें टेंशन ज़्यादा हो जाएगा फर्स्ट स्ट्रिंग में, जो कि सपोर्ट से सीलिंग से सस्पेंडेड है, सीलिंग से लटकाया गया है। तो T1 कितना हो जाएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग में टेंशन T1 सपोज किया था, तो T1 इजकल टू 5 न्यूटन, 3 प्लस 0.2 इंटू 10 डैट इज 2, तो 3 प्लस 2 डैट इज 5 न्यूटन आंसर। नाउ प्रॉब्लम 5, विच इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो, विच इज टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास स्मॉल m आर tied to each other through a light string. One of the blocks is pulled along the line joining them with a constant force capital F. Find the tensions in the string joining the blocks. दो blocks हैं, दो पिंड हैं, जिनके masses equal हैं, each block का mass small m है, और उसको एक हल्के string से जो कि massless है, तो उसके help से दोनों इक्वल मासेस के ब्लॉक्स को कनेक्ट किया जाता है, और उनमें से किसी एक ब्लॉक को कांस्टेंट फोर्स
एफ अप्लाई कर किसी एक डायरेक्शन में पुल किया जाता है, आइदर लेफ्ट और राइट। तो कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा, दोनों ब्लॉक्स को, दोनों बॉडीज को, दोनों पिंडों को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रिंग है, तो दोनों ब्लॉक्स को ज्वाइन करने वाला स्ट्रिंग में कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा यह मालूम करना है। इसके लिए एक डायग्राम बना दिया जाए, और यहाँ पर भी फ्री बॉडी डायग्राम बोथ ब्लॉक्स के लिए अगर यूज किया जाए तो हम रिजल्ट तक आसानी से पहुँच सकते हैं। दो ब्लॉक है और ईच ब्लॉक का मास स्मॉल एम है, और सेकेंड ब्लॉक है यहाँ सपोज किया जाए। इस ब्लॉक का नाम दे दिया जा सकता है ए एंड बी, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। राइट वाले ब्लॉक को एम को राइट वाले ब्लॉक को का नाम ब्लॉक ए, और लेफ्ट साइड में जो ब्लॉक है मेरे लेफ्ट साइड में वह उसे ब्लॉक बी नाम दिया जाए। और दोनों ब्लॉक्स को हम कनेक्ट करते हैं एक मासलेस स्ट्रिंग से। अब सपोज किया जाए कि दोनों ब्लॉक्स को एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट करने के बाद, अब सपोज किया जाए ब्लॉक ए को राइट डायरेक्शन में, मतलब राइट साइड में हम फोर्स दिया है प्रॉब्लम में, एक कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाई करके पुल किया जाता है ब्लॉक ए पर, कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाई करके राइट डायरेक्शन में उसे खींचा जाता है। तो क्या होगा, टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा किधर, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, यह टेंशन हो गया लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग में, मतलब दोनों ब्लॉक्स का कनेक्टिंग स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्योंकि फोर्स राइट डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है तो टेंशन लेफ्ट डायरेक्शन में। और सेकेंड ब्लॉक के मोशन के लिए यही टेंशन, मतलब स्ट्रिंग में जो टेंशन है इसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स काम करेगा, ये फिर राइट डायरेक्शन में सेकेंड ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम में हेल्पफुल होगा। तो इस प्रकार ये हमने डायग्राम, और दोनों बॉडी का बेस जो है वेट काम करेगा डाउनवर्ड इच बॉडी का, और उसकी हेल्प से, और वह बैलेंस हो जाएगा किससे, नॉर्मल रिएक्शन से। वेट काम करेगा डाउनवर्ड एम जी विच इज बैलेंस बाय द नॉर्मल रिएक्शन, सेम होगा दोनों ब्लॉक के लिए क्योंकि दोनों ब्लॉक का मास सेम है, ये नॉर्मल रिएक्शन एन हो गया। और यहाँ पर भी सेकेंड ब्लॉक के लिए भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मास वेट इसका एम जी, और दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड बाई द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक विच इज ब्लॉक ए के लिए भी नॉर्मल रिएक्शन होगा एन। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम का केस है इसमें, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बैलेंसेस द वेट ऑफ द ब्लॉक बोथ ब्लॉक्स। सो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स काम नहीं करेगा, तो राइट डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक ए पर जो फोर्स कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया गया है इसके कारण इस ब्लॉक में दोनों ब्लॉक के सिस्टम में मोशन होगा और कॉमन एक्सेलरेशन होगा। तो कॉमन एक्सेलरेशन सपोज कर लेते हैं कितना है, वह स्मॉल ए है राइट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम फिर कंसीडर किया जाए ब्लॉक ए के लिए या फिर ब्लॉक बी के लिए। तो ब्लॉक ए के लिए फोर्स, ब्लॉक ए पर फोर्स राइट डायरेक्शन में कैपिटल एफ है, और इसे ब्लॉक बी को कनेक्ट करने वाला लेफ्ट साइड में जो ब्लॉक है उसका नाम बी दिया गया नेम, तो उसको कनेक्ट करने वाला स्ट्रिंग में भी टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो टेंशन का जो डायरेक्शन किधर है, इस फोर्स के अपोजिट है, तो ये टेंशन हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना, ये एक्सेलेरेशन तो ये हो जाएगा इसका राइट डायरेक्शन में ही, और ब्लॉक बी का भी एक्सेलेरेशन राइट डायरेक्शन में। अब ब्लॉक बी के लिए देखा जाए, अलग अलग हम देख रहे हैं, तो ब्लॉक बी के लिए क्या होगा, और वेट तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस वहाँ दिखा ही दिए हैं, लेकिन यहाँ पर भी दिखा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। एम जी वेट हो गया ब्लॉक का, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में एन इजकल टू एम जी हो गया। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स इस पर हो जाएगा, इसमें ब्लॉक पर कितना, एफ माइनस टी रिजल्टेंट फोर्स होगा जो कि मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब सेकेंड ब्लॉक के लिए क्या होगा, सेकेंड ब्लॉक के लिए जो फर्स्ट ब्लॉक के साथ, फर्स्ट ब्लॉक से कनेक्ट किए हैं जो स्ट्रिंग, तो उसका टेंशन के इक्वल, मतलब उसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ है उसका रिएक्शन फोर्स काम करेगा ब्लॉक के लिए, मतलब स्ट्रिंग में अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब राइट डायरेक्शन में, और जो कि ब्लॉक बी को राइट डायरेक्शन में मूव कराएगा, एक्सेलेरेट करेगा, और इसका भी एक्सेलेरेशन ए है क्योंकि दोनों ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, इसलिए कॉमन एक्सेलेरेशन होगा। तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पर भी वेट डाउनवर्ड ब्लॉक का विच इज बैलेंस बाई द नॉर्मल रिएक्शन एन। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम का केस यहाँ है, एन इजकल टू एम जी, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स सेट करेगा। तो यहाँ पर फोर्स केवल इस स्ट्रिंग क्या होगा, सेकेंड ब्लॉक के लिए टी इजकल टू, मैंने सेकेंड ब्लॉक के लिए क्या हो गया फ्री बॉडी डायग्राम में, सेकेंड ब्लॉक के लिए टेंशन टी इजकल टू यही राइट डायरेक्शन में फोर्स होगा, और ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो सेकेंड ब्लॉक के लिए देख लिया जाए पहले,
रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बी क्या हो जाएगा, फॉर ब्लॉक बी और द मोशन ऑफ ब्लॉक बी टुवार्ड्स राइट विथ एक्सेलरेशन ए, तो फॉर मोशन ऑफ द ब्लॉक बी, ब्लॉक बी वी हैव फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज टेंशन, जो रिएक्शन फोर्स है टेंशन का इक्वल एंड अपोजिट, टेंशन काम कर रहा है लेफ्ट साइड में जब ब्लॉक ए को एफ फोर्स से कॉन्स्टेंट फोर्स एफ से राइट डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है, तो रिएक्शन फोर्स टेंशन के रूप में लेफ्ट साइड में काम करेगा, और सेकेंड बॉडी के लिए लेकिन सेकेंड ब्लॉक के लिए टी के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम इक्वल करे थी एक्ट करेगा इधर राइट डायरेक्शन में ही। तो फॉर मोशन ऑफ द ब्लॉक बी टेंशन टी इज इक्वल टू विच इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स मास इंटू एक्सेलेरेशन, टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये हो गया ब्लॉक बी के लिए, ब्लॉक बी के लिए। अब ब्लॉक ए के लिए देखा जाए रिजल्टेंट फोर्स फॉर द मोशन ऑफ ब्लॉक ए बाय द कांस्टेंट फोर्स एफ, तो फॉर ब्लॉक ए क्या हो जाएगा, ब्लॉक ए के लिए रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज कांस्टेंट फोर्स एफ टुवार्ड्स राइट एंड टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग टुवार्ड्स लेफ्ट, तो एफ रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, लेकिन फिर भी जो पुलिंग फोर्स एफ है वो ज़्यादा वो उसका वैल्यू उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, तो कहने का मतलब वो लार्ज होगा, इससे रिजल्टेंट फोर्स भी राइट डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा, क्योंकि बॉडी का मोशन भी राइट डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों बॉडीज का माने सिस्टम का जो मोशन है। तो एफ माइनस फोर्स माइनस रिएक्शन के रूप में टेंशन एफ माइनस टी इजकल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो मास इज एम एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम बोथ ब्लॉक्स इज स्मॉल ए, एफ माइनस टी इजकल टू एम ए। अब टी का वैल्यू इक्वेशन वन से सेकेंड ब्लॉक के लिए जो हमने ऑप्टेन किया है सेकेंड ब्लॉक के मोशन से, उसको टी इजकल टू एम ए यहाँ पुट कर दिया जाए यूजिंग टू इन वन इक्वेशन टू में। इक्वेशन टू फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम के हेल्प से रिजल्टेंट मोशन के लिए एक्सप्रेशन के लिए एक्सप्रेशन हमने ऑप्टेन किया एफ माइनस टी इजकल टू एम ए। तो यूजिंग इक्वेशन टू इन वन इक्वेशन वन वी गेट एफ माइनस टी इक्वेशन वन से टी इजकल टू एम इंटू ए पुट कर दिया जाए, एम इंटू ए इजकल टू कितना हो गया एम इंटू ए, और एफ इजकल टू क्या हो जाएगा एम ए प्लस एम ए, एम ए अब राइट साइड में चला माइनस एम ए है तो राइट हैंड साइड में जाकर प्लस हो जाएगा एम ए प्लस एम ए दैट इज टू एम ए, टू एम ए आ गया। तो इसलिए एक्सेलेरेशन मिल गया हमको, एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम बोथ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू द सेम स्ट्रिंग सो एक्सेलेरेशन इज कॉमन, देयरफॉर ए इजकल टू एफ अपॉन टू कैपिटल एफ पुलिंग फोर्स अपॉन टू एम, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। हमको टेंशन मालूम करना है तो इक्वेशन वन में टी इजकल टू एम ए है, इक्वेशन टू में भी है टी, उसका वैल्यू रखा जा सकता है मैंने एक्सेलेरेशन का वैल्यू रखा जा सकता है इक्वेशन टू के आर एच एस में, लेकिन हम इक्वेशन वन के हेल्प से ही मालूम कर लेते हैं। तो इसलिए टेंशन क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ए इजकल टू एफ कैपिटल एफ अपॉन टू एम इन इक्वेशन वन वी गेट हम लोग ऑब्टेन करेंगे पुट किया जाए मतलब इक्वेशन वन में यूजिंग थ्री इन वन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इजकल टू टू एम पुटिंग ए एक्सेलेरेशन ए इजकल टू एफ अपॉन टू एम कैपिटल एफ अपॉन टू एम इन इक्वेशन वन विच इज कैपिटल टी इजकल टू एम ए, इक्वेशन वन है टी इजकल टू कैपिटल टी इजकल टू एम ए इन पुटिंग ए इजकल टू एफ बाई टू एम इन इक्वेशन वन वी हैव टी टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग टू ब्लॉक्स ए एंड बी वी हैव टेकन इजकल टू टी इजकल टू एम मल्टीप्लाइड बाई ए एफ बाई टू एम। अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एम प्रेजेंट है तो कैंसिल हो गया दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एम दैट इज एफ बाई टू आंसर दैट इज टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मासेस स्मॉल एम एंड स्मॉल एम इज टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना हो गया टी इजकल टू एफ अपॉन टू टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द मतलब आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम नंबर फाइव। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है।